चाहेंगी कि वो दिल्ली आ जाए, हम पूरी ताकत लगा देंगे उन्हें दिल्ली बुलाने में। किस तरीके से सारे बॉर्डर को सील कर दिए गए, चंबल बॉर्डर की तस्वीर आपने देखी होगी, तो लग रहा है उससे क्या वो दिल्ली पहुंच पाएंगे? देखिए, आपने हरियाणा हाई कोर्ट का भी सुना होगा, हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है कि आप इस देश के क्या मालिक बन गए, आप अपने आप को क्या हुक्मरान समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं तानाशाह? ये देश का कानून कहता है कि कोई भी नागरिक कहीं भी जा सकता है, दिल्ली का व्यक्ति बाहर जा सकता है, किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य का व्यक्ति दिल्ली में आ सकता है, कोई भी व्यक्ति देश की किसी भी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकता है। तो ये कानूनी बात है, जो जितने ये रोक लगा रहे हैं ये गैर कानूनी तरीके से लगा रहे हैं। 144 अभी जो लागू की गई है, आप कहाँ 144 है आप मुझे बताओ, आपको ये कहीं भी पूरी कैमरा घुमा के देख लो जरा, ये धारा 144 इसे कहते हैं? कोई धारा 144 नहीं, धारा 144 जैसे किसान आए उसके बाद ऐलान हो गया कि धारा 144 का मिसयूज हो रहा है, अच्छा दुरुपयोग हो रहा है। जहाँ भी सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाता है, अपनी मांगों के लिए कोई आवाज उठाता है, बेचारा भूखा प्यासा है, तो उसकी आवाज को दबाने के लिए 4-5 आदमी इकट्ठे ना हो जाए 144। लेकिन साहब ये कहा जा रहा है कि एक ही राज्य के किसान क्यों इतना उतावले हो रहे, उग्रे हो रहे हैं? नहीं नहीं, ये गलत फहमी है, एक राज्य के किसान नहीं है, सिर्फ पंजाब, पूरे देश के किसान। अब हरियाणा हाई कोर्ट कह रही है तो हरियाणा और पंजाब एक ही है क्या? हरियाणा पंजाब एक ही है क्या? आप उत्तर प्रदेश के किसान भी तो आ रहे हैं, ये गाजीपुर बॉर्डर क्यों सील किया गया है? क्या वो पंजाब का बॉर्डर है? लेकिन कहा जा रहा है कि एमएसपी देने से, सुधीर चौधरी देश के जाने माने पत्रकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई एमएसपी अगर दिया जाएगा तो 25% महंगाई बढ़ जाएगी सब चावल दाल के। सुधीर चौधरी जी से कहिए जो उनकी इनकम है, उसकी इनकम का कितना पैसा वो देश को देते हैं एक बार वो देश को बताएं, ताकि भुखमरी ना फैले, क्योंकि देश की जो पूरी जीडीपी है उसका 0.5% सुधीर चौधरी जैसे लोग खा जाते हैं। ये लोग देशद्रोही हैं, किसानों की अपनी मांग जो बेचारे जो उपजाते हैं उसकी लागत का मूल्य भी नहीं देना चाहते ये लोग। किसान आत्महत्या करता है वो इनको नहीं दिखाई देता, ये न्यूज को गलत तरीके से पेश करते हैं। अच्छा, आईटीओ भी जाम कर दिया गया है, क्रेन हो बैरिकेड हो, तो दिल्ली के लोगों को दिक्कत नहीं होगी उससे? तो ये कौन कर रहा है? अभी तो सरकार ने किया है, तो सरकार की वजह से दिल्ली परेशान है। डर है ना, अगर भीड़ पड़ गई तो जनता का क्या होगा? ये सरकार जानबूझकर परेशान कर रही है, ये नैरेटिव सेट कर रही है कि किसानों की वजह से हो रहा है, जबकि सरकार ही जनता को परेशान कर रही है। लेकिन कहा ये जा रहा है ना कि ये किसान जो है बार बार चले आते हैं, आप क्या 6,000 साल में दे रहे मोदी? आप एक ही बार खाना खाते हो दिन में, एक महीने में एक ही बार खाना खाते हो, जब भूख लगती जब खाते हो ना। किसान बेचारा भूखा जी रहा है, मरने के कगार पर है, कई परिवार आत्महत्याएं कर ली। अरे बीएमडब्ल्यू वायरल हो रही है, बीएमडब्ल्यू रेंज रोवर में आ रहा है किसान, बड़ी बड़ी क्रेन लेके। सर बहुत सारे वाले आ रहे हैं, आप कोई वीडियो दिखा दीजिए किसान जो आ रहा है ऐसे। अरे बीजेपी के नेता शेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं ये लोग किसान नहीं है, ये लोग जो है किसान तो खेत में है। आप एक बात बताइए मुझे, आज हम वकील भाई इनको समर्थन कर रहे हैं, कल हमारे लिए भी एक नैरेटिव सेट कर दिया जाएगा कि ये फलाना पार्टी से जुड़ा हुआ है, ये वहाँ से फंड ले रहा है, तो इस देश में क्या विरोध करना क्या बिल्कुल तानाशाही हो गई है कि कोई विरोध ही नहीं कर सकता? आप पहले किसान बैठे तो उन्हें आतंकवादी बोला गया, पाकिस्तानी बोला गया, उन्हें पता नहीं क्या क्या बोला गया, लेकिन बाद में मोदी जी ने उनसे माफ़ी मांगी, सारे कानून वापस लिए। इनके लिए जुमले हैं कुछ समय के लिए, बहकाते हैं जनता को ताकि जनता इनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने लगे। जनता बड़ी साजिश है, जनता आप लोग हरा नहीं पा रहे इसीलिए ये साजिश सोच रहे हैं। देखिए, हम लोग हराने जिताने के लिए नहीं लगे, आप गलत फहमी में हैं। हम मोदी जी से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि किसान इस देश का अन्नदाता है, बेचारा भूखा मर रहा है, आप उनकी आवाज़ को सुनो, अपने मन की बात नहीं सुनो, उनके दर्द को भी सुनो। हम किसानों के लिए खड़े हुए हैं, किसान संविधान के साथ में चल रहे हैं, अब धरना दे रहे हैं। वो धरना किसके दे रहे हैं? वो भी आतंकवादी, उनको भी रोक दो, धारा 144 लगा दो, सारा गुंडागर्दी दिखाओ अपनी, सभी अपनी गुंडागर्दी, कभी आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। अरे किसान किस लिए लड़ रहा है? किसान हमारा अन्नदाता है, किसान हमारे लिए लड़ रहा है, किसानों को क्यों रोका जा रहा है? आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, कहीं पर चीज लगाई जा रही है। और सबसे बढ़िया बात आप ये देखिए, हमारा राष्ट्रपति जिस दिन किसान हमारे यहाँ पे एंट्री दिल्ली में एंट्री कर रहे थे, उस दिन हमारे राष्ट्रपति जी कहाँ का प्रोग्राम बना रहे थे बाहर जाने का? प्रधानमंत्री जी कहाँ का प्रोग्राम बना रहे, उनको बाहर की चिंता है, यहाँ पर हमारे देश में क्या चल रहा है, जिसके जहाँ यहाँ के प्रधानमंत्री है उनको यहाँ की कोई चिंता नहीं है, कौन क्या परेशान है,
इसको क्या परेशानी हो रही है? हमारे प्रधानमंत्री जी बाहर घूमने में लगे हुए हमारे लोकतंत्र के, ये हमारा लोकतंत्र प्रधान देश है, किसान प्रधान देश है, यहाँ की क्या परवाह कर रहे हैं, क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं? किसान हिंसा कर रहा है, अपने अपने हक के लिए किसान नहीं लड़ेगा? संविधान संविधान भी है, हिंदी अधिवक्ता है, चुनाव हिंसा नहीं कर रहे, सरकार हिंसा कर रही है किसानों के साथ, सरकार गुंडा कर रही है, आपने ड्रोन कैप्चर किया होगा, ड्रोन से हमला कौन कर रहा है? एक आदमी बोले तो ना भाई, आप पहले से बोली चला रहे हो, ड्रोन से ऊपर से हमले कर, बोली आप बोली बताइए किसान गैर कानूनी काम कर रहे हैं, आतंकवादी हैं, किस लिए उनको रोका जा रहा है? कोई कारण तो बताया जाए ना उनको क्यों रोका जा रहा है? ये साजिश है विपक्षी पार्टी का। अच्छा साजिश है विपक्षी, आप ये मुझे वही तो पूछ रहे हो किस बात की साजिश है, आप साजिश तो बताएं। मोदी जी को हरा नहीं पा रहे हैं इसीलिए ये सब मोदी हटाने का। मोदी जी जो पहले परेशानी हो रही है किसानों को उसको तो मोदी को हराने के लिए हम लोग नहीं आए हैं, ना हम विपक्ष के लिए आए हैं कि विपक्ष उनको समर्थन दे रहा है नहीं दे रहा, हम तो मोदी जी से भी चाहते हैं कि आप समर्थन करो किसानों का, आप किसानों का समर्थन करो ताकि आप और ज़्यादा बोल पाए। मोदी जी इसलिए नहीं समर्थन कर रहे हैं क्योंकि ईवीएम के माध्यम, अरे यार मेरा सिर्फ ईवीएम के माध्यम से जितना चाहेंगे किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, युद्ध जैसे हालात देश के अंदर, जनता वोट देती है, जनता वोट देती है ईवीएम को, ईवीएम को वोट देती है, ईवीएम किसको देती है ये आपको पता है? हम चाहते हैं मोदी जी के और फैन बने, फैन है पकड़ो यार चाचा, आप देखिए किसान माहौल खराब नहीं कर रहे, ये सरकार माहौल खराब कर रही है, ये कट्टे कौन खोद रहा है, रोड ब्लॉकेज कौन कर रहा है, यहाँ की जनता परेशान ब्लॉकेज की वजह से हो रही है, किसानों की वजह से नहीं, क्या इस सरकार से पहले किसान नहीं आए? भाई महेंद्र सिंह टिकैत साहब कई बार किसानों को, लाखों किसानों को दिल्ली लेकर आए, इससे पहले कभी ऐसे हालात हुए? स्वामी ब्रह्मानंद जी हमीरपुर से 2 लाख किसानों को दिल्ली लेकर आए, क्या कभी ऐसे हालात हुए? आज किसान बेचारे दिल्ली आने नहीं दिया जा रहा, जैसे कि पता नहीं देशद्रोही है वो, जैसे वो एक देश से दूसरे देश में आने आ रही है ना, कि आए दो चार मीटिंग है उनका, आए बातचीत करें, बातचीत तो डेली हो रही है, बातचीत तो डेली हो रही है, बातचीत तो डेली हो रही है, तो नतीजा क्या है? कोई नतीजा नहीं है। जो आपको अंत देता है, अगर एक बार अगर किसान अगर रूठ गया तो इस गवर्नमेंट को, या मतलब किसानों ने स्पेसिफाई बोल रखा है कि हम किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते, ना किसी पार्टी को सपोर्ट करते, हम अपनी मांगों को सपोर्ट करते हैं, हम अपनी मांगों को सपोर्ट करते हैं, अपनी मांगों को सपोर्ट करते हैं, और लोगों का धन्यवाद, किसानों के हित में आज अपने सक्सेस बनाया, आज में लड़ाई फिर यही समापन करते हैं, लड़ाई तो कारण हंगामा कुछ नहीं है, संविधान ये कहता है अगर अपनी बात रखनी है तो जंतर मंतर एक पॉइंट बनाया गया है सरकार के संविधान के हिसाब से कि भाई अपनी बात कहनी है शांतिपूर्ण तरीके से, आप आइए और अपनी बातों के लिए धरना दीजिए, और धरना देने के लिए किसान आ रहे हैं, अपनी बात रखना सरकार के सामने रखना चाहते हैं, इसीलिए वो आ रहे हैं, उनके लिए उन्हें आतंकवादी सिद्ध किया जा रहा है, उनको रोका दिया जा रहा है, नहीं बनेगा। आज किसान लड़ रहा है अपने अधिकार के लिए, ये किसानों की हत्या की सरकार है, 850 किसानों की हत्या करी सरकार ने, 13.5 महीने लोग भूखे प्यासे रहे।